बालाघाट के स्टेडियम में आए दिन शराब का अड्डा चलता है। ऐसे में मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाते हुए जब स्टेडियम से शराब की बोतलें हटाई जा रही थी, तभी जोरहाट नगर निगम ने स्टेडियम के अंदर मौजूद 64 साल पुरानी दुकान तोड़ दी। साल 1954 से ही पुजारी दुकान स्टेडियम में चल रही थी और जोरहाट के कई लोग इस दुकान की चाय की चुस्की शायद आज भी न भूल पाए हों। सत्य प्रसाद पुजारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लिली देवी बर पुजारी इसी दुकान के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। समय गुजरने के साथ ही स्टेडियम में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। इस परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दुकान को वहां से नहीं हटाया गया, लेकिन मंगलवार को स्वच्छता अभियान के नाम पर जोरहाट नगर निगम ने इस दुकान को तोड़ दिया और उसकी सामग्रियां ले गए। त्रिपुरा के गोमती जिले में भी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। आज उदयपुर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय महात्मा गांधी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उदयपुर सब डिवीजन के 400 से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय कार्यकर्ता थे जो कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत आजाद हुआ था और उन्हीं ने दुनिया में नागरिक अधिकार और आजादी के लिए आंदोलन छेड़ने की प्रेरणा दी थी। त्रिपुरा जिला तथा सत्र न्यायाधीश की अदालत के पूर्व न्यायाधीश तथा त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व सचिव सुभाष भट्टाचार्य जी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में बलि विधान का विरोध किया गया है। उन्होंने साथ ही अदालत से बलि विधान पर रोक लगाने की अपील की है। त्रिपुरा के विभिन्न मंदिरों में आमतौर पर पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है। हर साल सरकार इन मंदिरों में बलि विधान के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है। जनहित याचिका दायर करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि एक समय था जब राज्य में मानव बलि भी चढ़ाई जाती थी। ऐसे में अगर मनुष्य की बलि रोकी जा सकती है तो पशुओं की बलि क्यों नहीं। रिवरेंड जेम्स उनार ह्यूमन सैक्रिफाइस इन त्रिपुरा ते लिखे गए छन जे शुधु पाठा बा महिष बा हाँस বা পায়রা এগুলোই বলি নয়। একটা সময় ছিল ত্রিপুরাতে অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর রেভারেন্ড জেমস নরবলি হতো, ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি হতো এবং সেখানে ত্রিপুরা রাজ্য তখন স্ট্রং হিন্দুত্ব, খুবই হিন্দুত্ব খুবই শক্তিশালী ছিল, নরবলি হতো। উনার বইতে উনি এটাও বলেছেন যে হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে খুবই কদাচিৎ আসামের কামাখ্যাতে এবং কলিকাতার কালীঘাটে খুব রেয়ার নরবলি হতো, কিন্তু র্যাম্পেন্ট ছিল আপনার ত্রিপুরায়। তো ত্রিপুরায় একটা বলির একটা ব্যাপার যেন আগাগোড়াই লেগে রয়েছে। यही वो जगह है जहाँ पे हर साल दुर्गा पूजा के दौरान एनिमल सेक्रीफाइस होता है। अभी हम खड़े हैं अगरतला के दुर्गाबारी पे, जहाँ हर साल दुर्गा पूजा के दौरान एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर से। मगर इस साल एक फॉर्मर जज ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया है एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ। अब देखना है कि इस बार भी दुर्गा पूजा पे यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं क्या नहीं। आगामी कंचनजंगा मैराथन के प्रति लोगों को जागरूक करने और युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सिक्किम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन 7 अक्टूबर को गैंगटॉक रोड रनर्स का आयोजन करने जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का गुर सिखाना है, साथ ही कंचनजंगा मैराथन के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। गैंगटॉक रोड रनर्स के निदेशक तथा एवरेस्टर कुंगजांग ग्यास्तो ने कहा कि 10 किलोमीटर की पुरुष और महिला श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वालों और अनुभवी श्रेणी के विजेताओं को कंचनजंगा मैराथन में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। 7 विजेताओं को कंचनजंगा मैराथन के आयोजक स्पॉन्सर करेंगे। 2 श्रेणियों में आयोजित होने जा रहे इस रन में आयोजकों ने सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
मैराथन में आम लोगों के लिए 500 रुपए, पुलिस कर्मियों या सैनिकों के लिए 300 रुपए और विद्यार्थियों के लिए 200 रुपए एंट्री फीस निर्धारित किए गए हैं। Marathon or any other sports, okay, we have a terminology in tourism which is sports tourism. So sports in the European countries has reached a very high level, where if you go to the US, if you go to the Boston Marathon, you will have a participation level of 20,000 to 30,000 runners. Well, with those 30,000 runners, they bring along a crowd of over 3 to 5 lakhs.